वार्ड शिफ्ट ऑथराइजेशन किसने किया था? मैंने की थी, अब थे नहीं। तो आप मुझे कॉल कर लेते। नेटवर्क। तो हॉस्पिटल का फोन भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm sorry sir, कल से टाइम पे आऊंगी। मेडिसिन के प्रोफेशन में इस लफ्ज की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक डॉक्टर ये लफ्ज सिर्फ उस वक्त बोलता है जब अपने पेशेंट को बचा नहीं पाता और उसके अख्तियार में कुछ नहीं रहता। उसके अलावा किसी भी और सिचुएशन में सॉरी का लफ्ज एक डॉक्टर के मुंह से निकलता हुआ अच्छा नहीं लगता। आइंदा वक्त की पाबंदी चाहता हूं आपसे। आप 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाएं और आपसे मैं बाद में बात करता हूं। अभी जो आपके साथ हुआ वो एक ट्रेलर था। 10 बजे जो होगा पैथोलॉजी में बात करवाएं। मैंने बेड नंबर 17 के पेशेंट की रिपोर्ट्स कब मांगी थी? पेशेंट की रिपोर्ट्स मिलेंगे तो उनके ट्रीटमेंट के मुताबिक हम कुछ तय कर सकते हैं। जाहिद साहब को भेजें। ओके। डॉक्टर हरून ने आपको हॉस्पिटल दिखा दिया? जी सर। बात यह है डॉक्टर जूबिया कि हमें हमारे हॉस्पिटल के लिए एक लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। आपके अलावा जो चंद लेडी डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए आई थीं, उन सब के पास एक्सपीरियंस था, तो उन सब पर आपको प्रेफरेंस देने की वजह आपका पैशन नजर आया।
तो चैलेंज कबूल करना और इस एनवायरनमेंट में काम करने की जो इमोशनल बातें थी वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए थी. सॉरी सर, मैं कल से लेट नहीं आऊंगी. गुड, हमारे हॉस्पिटल और हमारे मिशन के लिए यही बेहतर होगा. आपको वाकई एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा. आपके पास एक्सपीरियंस इतना है नहीं, तो डॉक्टर शेरोज और मैंने डिसाइड किया कि आप मुझे असिस्ट करेंगे. ओके ओके. मैंने यहाँ के स्टाफ के लिए कुछ रूल सेट किए जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ. और वो रूल्स क्या हैं? बहुत ही सिंपल. वक्त की पाबंदी और काम पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना. हमारे प्रोफेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. लोगों की जिंदगी हमारे हाथों में होती है. और हाँ, एक बात और, मैं हर गलती माफ कर देता हूं अगर झूठ नहीं. कभी कोई भी गलती हो जाए तो मुझसे छुपाने या झूठ बोलने के बजाय मुझे सच बता देगा. ओके. आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. शिकायत मुझे नहीं, पेशेंस को नहीं होनी चाहिए. पेशेंस को नहीं है तो समझ लो कि मुझे भी नहीं. आप ये रिपोर्ट रखें, पढ़ लें और शाम को मैं अपने राउंड्स करूंगा और आप मुझे असिस्ट करेंगे. थैंक यू. कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर नहीं साहबा, बहुत कमजोरी हो रहा है, मैदे में जलन हो रहा है. डॉक्टर नहीं साहबा, इसको बुखार बार बार चढ़ता है, उल्टियाँ करता है, कुछ हजम नहीं कर पा रहा, कुछ खाता पीता भी नहीं है. जब ब्लड टेस्ट करवाए थे तो तभी प्रॉपर चेकअप कराना था ना? वो करवाया था ना डॉक्टर साहब. चेकअप करवाया था ब्लड टेस्ट 6 महीने पहले. आप इनके कुछ ब्लड सैंपल्स ले लें. आपने पेशेंट की रिपोर्ट्स पढ़ी थी? लेकिन इस पर इतनी बड़ी बड़ी लिखी डेट्स नहीं पड़ी. मेरा ख्याल है कि मेडिकल कॉलेजेस में कॉमन सेंस का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए. क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि एक डॉक्टर को पेशेंट की रिपोर्ट की टेक्निकलिटीज जानने से पहले उस पर लिखी डेट्स पढ़नी चाहिए. अब हम बेड नंबर 2 के पेशेंट के पास जा रहे हैं. मैं एग्जामिन करूंगा और आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे. ओके. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बरकतुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, तबीयत बहुत खराब. मेरा नाम डॉक्टर असफंदियार है, क्या मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ? हाँ. आराम से, आराम. जरा खांसे. सांस ले, सांस ले. क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब, अभी तो बीमारी की वजह से नौकरी छूट गया. पहले ड्राइवरी करता था. अच्छा, रहते कहाँ आप? सात वाले गांव में रहते हो डॉक्टर साहब. और पानी आप उबाल कर पीते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे सादा पानी. उबाल कर पीना चाहिए, अंदर जो जरसीम है वो मर जाता है. स्मोकिंग करते हैं आप? डॉक्टर साहब, पहले करता था पर अभी 1 महीने से छोड़ दिया. ये आप टेस्ट करवा लेंगे, रिपोर्ट से देंगे. Thank you.
याद रखें कि आपको पेशेंट की जो हिस्ट्री है ना वो जाननी जरूरी है. फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन, इवन सोशल स्टेटस. याद रखें कि लिसन टू योर पेशेंट. गुड कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पेशेंट इज वाइटल टू अ प्रॉपर डायग्नोसिस. ओके. डॉक्टर साहब भाई औरतों का वार्ड किधर है? यहाँ से स्ट्रेट जाएं, लेफ्ट पे देखिएगा, वहीं कहीं मिल जाएगा. उसमें यहाँ से आप सीधा जाएं, उल्टा हाथ लें, आपको रिसेप्शन नजर आएगा. जी ठीक है. हमारा यहाँ काम अपनी काबिलियत साबित करना नहीं, ना ही उनको ये बताना कि हमें इंग्लिश कितनी आती है, बल्कि पेशेंट्स और उनकी अटेंडेंस का ख्याल रखना है. ओके. देखिए ना डॉक्टर जुबी, ये खाना नहीं खाया ना दवाई लेता है टाइम पे, बहुत तंग करता है ये. कहाँ हो क्या आप, क्यों रो रहे हो? लाओ मुझे दो. इंजेक्शन नहीं लगाना अब आपने से. ओके. इंजेक्शन नहीं लगा रहे हम आपको, लेकिन खाना खाना पड़ेगा आपको फिर. ठीक है, अगर नहीं खाओगे तो फिर मैं लगाऊंगी इंजेक्शन. ओके. मैं नहीं लगाने दूंगी इन्हें, लगाएंगे तो मैं मारूंगी इन्हें, पिटाई करूंगी. क्या नाम है आपका? हमजा. हमजा आप तो बहुत प्यारे. हाँ आप तो बहुत प्यारे. इतने प्यारे बाल हैं आपके, बाप भाई वाह, बिल्कुल हीरो. हाँ अल्लाह, इतने मोटे मोटे आंसू. हाँ इतने मोटे मोटे आंसू. इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी मैं बाबा को, ठीक है, लेकिन खाना तो खाओगे ना? खाओगे? मैं खिलाऊं? ओ चलो उठ के बैठो. ये बात, ये चीज़. अच्छा मैं खिलाऊंगी खाना. खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे? अगर पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर्ली लेती तो आपको पता चलता कि वो एक CLD का पेशेंट है. आप उसको फॉरेन फ्लूइड्स नहीं देती. सर पेशेंट का बीपी काफी लो था तो आपने फटाफट उसको फ्लूइड लगा दिया. ये नहीं सोचा कि CLD के पेशेंट्स जो होते हैं उनको फ्लूइड्स की रिस्ट्रिक्शन है. यानी उस बेचारे का हशर कर दिया आपने. पेशेंट का बीपी स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? सर कार्डियक इंप्रूवमेंट के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स लगानी चाहिए थी. तो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है ना उसको अप्लाई करना सीखो. तो ज़ुबिया आपको बार बार डांटे इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने किसी हॉस्पिटल में आज तक काम नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं आपका. इनफैक्ट जो आप एक साल में सीख पाती हैं वो डॉक्टर असफंदियार की डांटे आपको एक महीने में सिखा देंगे. देख लीजिएगा चाय. पता नहीं क्यों मेरे इतने एहतियात करने के बावजूद मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है. डॉक्टर असफंदियार मुझे एक नालायक डॉक्टर समझते हैं. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता तो वो आपको जॉब पे नहीं रखते. वैसे आप डॉक्टर असफंदियार को जानते नहीं है, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं. हाँ बट आप कोई टैलेंट होगा, आप में कोई ऐसी बात होगी जब तो आपको उन्होंने रखा है. हाँ जहाँ तक रही बात डांटों की तो डांटे तो पड़ती इसकी हैं ताकि आप बेहतर हो जाए. इनफैक्ट देखिए मुझे भी डांटे पड़ती रहती, मैं तो ढीठ हो गया. इस बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुन लिया आप? सही कि शायर कहता है कि आमद नहीं आ रही, एक सेकेंड आएगी. डॉक्टर
असफंद की डांटों से ना घबरा ए जुबिया। डॉक्टर असफंद की डांटों से ना घबरा ओ जुबिया, ये तो पड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह 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 वाह, चाय हो जाए, चिल करें यार, भूल गए। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, इट्स ओके। साइम भी बहुत शरारती है। साइम, इतनी जोर से किक नहीं मारते। इधर आओ, इधर आओ। सुनो, हल्के हल्के किक करो प्लीज, मामा थक गई है, मामा बैठी। ये बहुत शरारती है, खेलते वक्त ना आपसे बाहर हो जाता है। क्या नाम है इसका? साइम। बेटा है आपका? हाँ, क्यों लग नहीं रहा? नहीं, शक्ल तो एक जैसी है, भाई भी तो हो सकता है। नहीं, बेटा है। इधर आओ साइम, आपकी बातें बहुत मजे की है, जाओ खेलो जाओ। आपको यहाँ पहली दफा देखा? जी, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। अच्छा। जब भी फ्री होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ नेचर से बातें करने। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी वालदा का ताल्लुक यहीं से है, मेरे वाले जो है इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन मेरे ससुर का आबाई इलाका है तो उनको ये जगह बहुत पसंद है, तो हम सब यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा। बातों बातों में मैं आपका नाम पूछना भूल गई। मेरा नाम जुबिया खलील है, आपका? गेती। यहाँ करीब में ही रहती है? हाँ, यहीं बिल्कुल पास में। अच्छा। अक्सर आ जाती हूँ साइम के साथ यहाँ खेलने, बच्चा है, टाइम देना पड़ता है उसको। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? है तो खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, बल्कि यहाँ पे इमरजेंसीज को हैंडल कर रही हूँ तो पता चल रहा है एक डॉक्टर की क्या लाइफ होती है। ये बताओ, तुमने मुझे पैसे क्यों भिजवाए? कैसे ना भिजवाती, मेरी पहली सैलरी मुझे मिली थी, आपको ना भिजवाती तो किसको भिजवाती मैं? बस ठीक है, इस बार तो भिजवा दिए ना, आइंदा नहीं भिजवाने। हाँ, जमा करना है मेरी जान पैसे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप तो मेरा सब कुछ हैं खाला। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, मेरी जिंदगी भी तुम्हें लग जाए। बस अब एक फर्ज से हम किनार होना चाहती हूँ, चाहती हूँ तुम्हारा घर आबाद हो जाए और तुम्हें ढेरों सारी खुशियां मिले, तभी मैं मातरत के सामने सुखरू होगी। ठीक है खाला, मैं फिर आपको फ्री होके कॉल करूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हो गया आपका सी सेक्शन? अभी करके आई हूँ बस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसका बीपी लो नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों सही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल के दौर में भी लोग दाइयों के पास क्यों जाते हैं। इसलिए तो असफन कहता है कि
मरीजों का इलाज से ज़्यादा उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. अवेयरनेस आएगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ना. सही कह रही हैं. चाय बना रही हूँ अपने लिए, आप पियेंगी? हाँ प्लीज. तुम्हारी खाला कैसी हैं? क्या कह रही थी? बिल्कुल ठीक है, मुझे बहुत याद करती हैं. कह रही थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास वापस आ जाओ. वापस जाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? नहीं. वैसे तुमने अच्छा किया यहाँ ज्वाइन करके. यहाँ का एक्सपीरियंस एक्सपोजर शायद तुम्हें कहीं और ना मिले. सही कह रही है. डॉक्टर एक सेकेंड, अभी इनका ब्लड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट्स आएंगे तो हम आगे कुछ करेंगे. रोज इसका टेस्ट होता है, समझ में नहीं इसका दर्द से हालत देखिए क्या हो गया. क्या हो गया, क्या हो गया, इतना शोर क्यों? आप इनको घर लेके जा सकते हैं, बुखार की वजह से स्ट्रेस में आ गई थी, तो दो दिन बाद आप इनको ओपीडी पे लेके. बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. ओके जी. आपको अभी तक पेशेंट को आइडेंटिफाई करना नहीं आता? मैं जब सबको ओपीडी की तरफ जाने का कहती हूँ तो सारे मरीज और उनके घर वाले लड़ने लग जाते हैं. हैसियत डॉक्टर या आपकी वीकनेस है? हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइजेशन होता है और आपने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया. आपका काम पेशेंट को एजुकेट और हैंडल करना है. पेशेंट स्ट्रेस में आएगा तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे. नजला जुकाम खांसी के पेशेंट को आपने इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया और कोई भी बेड खाली नहीं था. अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता तो आप क्या करते? क्या बात है इसमें? मूड खराब लग रहा है. मूड अच्छा कैसे हो सकता है? आपकी रिकमेंडेशन पर डॉक्टर जुबिया को अपॉइंट किया है. तो क्या हुआ? शी इज अ गुड डॉक्टर? हाँ या सर, उसकी सारी नॉलेज एलिमेंट्री है ना. उसको पेशेंट्स को हैंडल करना आता है ना अटेंडीज को. इमरजेंसी में पता नहीं उसने क्या मछली बाजार बनाया रखा है. She's a newcomer. Experience भी नहीं है उसे और exposure भी नहीं. With time she'll learn. Let's hope so. वैसे आसार नजर नहीं आ रहा मुझे. अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारा equipment तो complete है. जी. लेकिन उनको handle करने के लिए technicians? सर वो बस अभी एक technician है जो मैंने खुद train किया था. But मुझे लग रहा है अब ये इशू होगा क्योंकि he's been working around the clock. So I think it's time that we find somebody else. लेकिन as you recommended, अखबार में हमने ऐड दिया. दिया. चले, let's see. Yeah. देखते हैं. Thank you.
शाम को जो बच्चा कैजुअलिटी में आया था उस वक्त आप ड्यूटी पर थी? जी सर। तो आपने उसकी सीरियस कंडीशन देखे बगैर उसको ओपीडी में भेज दिया। जो हार्ट अटैक के पेशेंट को हजमे का चूर्ण देते हैं उनमें और आप में क्या फर्क है? आपने उस बच्चे को ओपीडी पर रेफर किया, ओपीडी ने उसको दवाई देकर घर भेज दिया और उसकी हालत और खराब हो गई। आपको उसी वक्त उसके ब्लड सैंपल्स देने चाहिए थे और उसके टेस्ट करवाने चाहिए थे। इतनी सीरियस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आता है उसको फौरन एडमिट करना चाहिए। सर मुझे लगा कि मैंने सारे पेशेंट्स को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया तो सारे बेड ऑक्यूपाई हो जाएंगे। नजला जुकाम खांसी के पेशेंट को आपने इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया और कोई भी बेड खाली नहीं था। अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता तो आप क्या करते? आप अगर मेरी हर बात इतनी गौर से सुनती हैं, आपको ये याद होगा कि मैंने आपको बोला कि पेशेंट को आइडेंटिफाई करके उनको ओपीडी भेजें। ये नहीं कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है या सांस नहीं आ रही है तो उनको ओपीडी भेज दें। डरा के रखोगे तो गलती तो होगी ना। चलो मेडिकेशन कंटिन्यू करें। ये राबिया बीबी हैं, कल रात को आई थी, एंजाइना पेशेंट है, डॉक्टर जुबिया ने इनको डील किया था। पेशेंट जब आई थी तो हमने ऑक्सीजन दे दिया था पेशेंट को और आईवी भी दिया था। अभी मैंने पल्स चेक किए, नॉर्मल है। स्टेबल एंजाइना था? यस। दर्द कम हुआ? ओके। इसको डिस्चार्ज कर दें सर? कर दें। कल रात को किसकी ड्यूटी थी? सर डॉक्टर साहब तो कल रात को छुट्टी पे थे तो सारे पेशेंट्स को कल रात डॉक्टर जुबिया ने अटेंड किया था, और बल्कि डॉक्टर साहब की छुट्टी की वजह से कल डॉक्टर जुबिया ने 36 घंटे की ड्यूटी दी थी। तो कल रात को कितने पेशेंट्स थे? कल रात को 3 पेशेंट्स आए थे, एक तो एक्सीडेंट केस था, बहुत सीरियस था सर। इसके अलावा एक एंजाइना पेशेंट थी जिनसे आपको मैंने मिलवाया अभी, और एक जो है वो नमूनिया था, क्या था उसको? जॉन्डिस। जॉन्डिस था, एक को जॉन्डिस था जिसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, प्रॉब्ली इसको परसों तक हम डिस्चार्ज कर देंगे। ये तमाम केसेस जो थे डॉक्टर जुबिया ने डील किए थे, बाकी एक पेशेंट की एलएफटी रिपोर्ट्स आना बाकी है। ओके, गुड वर्क। कल दिन और ना तुम फेसबुक पर इस्तेमाल कर रही हो आजकल, तुम क्या करो बीमार हो जाओगे। कुछ नहीं, बस ऐसी बैठी थी यहाँ पे। कोई तो बात है, मूड क्यों खराब हो? यार मेरा जो बॉस है ना वो बहुत रूड है, एक नंबर का खड़ूस आदमी है। टाइम पे जाती हूँ, ड्यूटी भी ज्यादा देती हूँ, सब कुछ ठीक करती हूँ, मगर कभी कोई तारीफ नहीं करता, और अगर कोई गलती हो जाए
इतनी बातें सुनाते हैं कि बस मुझे तो वो कोई हिटलर या कोई चंगेज खान लगता है। बड़ा खतरनाक बॉस है तुम्हारा। सिर्फ खतरनाक नहीं, हैबतनाक, दहशतनाक, वहशतनाक, ये जितने भी नाक है ना, ये सारे नाक असफंदियार के साथ लगने चाहिए। सड़ियल। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार, ऐसे आगे चलो वापस चले। आज आप अकेले ही? साइम कहाँ है? साइम स्कूल जाते हैं। स्कूल गए तो आप ही उसे पिक एंड ड्रॉप देती हैं? हाँ, कभी मैं दे देती हूँ, कभी घर का कोई बड़ा जैसे मेरे ससुर है। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। I'm really sorry. कोई बात नहीं, आप कोई जिक्र करे ना करे, ये दुख तो हमेशा मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा है। पता है जुबिया, जब आपका बहुत प्यार करने वाला शख्स आपसे दूर हो जाए तो लगता है जैसे आप एक कदम भी नहीं उसके बगैर चल सकते। लेकिन दुनिया के सारे मामला कैसे ही चलते रहते हैं। इंसान हंसता भी है, बोलता भी है, तो उसके बगैर रहता भी है। बस सब साइम है जो मुझे खुश करता है। ओ, नहीं नहीं, पीछे जा पीछे जा। गुड, हाँ मिल गया। येलो येलो कोको, येलो येलो दिख रहा होगा ना? ये ले देवर जी। थैंक यू। दहशतनाक, खौफनाक, वहशतनाक। कॉफी पी ले। आज कैसे अलकाब मुझे दिए जा रहे? मैं भी क्या याद करूंगी कि आज एक हिटलर और चंगेज खान के साथ बैठ के कॉफी पी है मैंने। हिटलर, चंगेज खान? ये मैं नहीं, डॉक्टर जुबिया बोलती हैं आपके बारे में। डॉक्टर जुबिया, वो कहाँ आपको मिली? असफंद, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी लड़की है वो, उसके साथ इतना जुल्म। पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कहती है? कि तुमने ताने और तंज में कई सासों को पीछे छोड़ा। वैसे मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं उसमें, मगर घर वालों से दोस्ती कर ली। खुदा का खौफ करो, वो तुम्हारा नाम क्या तुम्हारे साए से भी दूर भागती है। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी भाभी हूं। और आगे जाओ। आज तुम उससे दूसरी दफा मिली, जब फर्स्ट टाइम मिली तो जिक्र रह गया। उसने मुझे बताया है कि वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो इत्तेफाक से हमारा है। मैं उसे बताने ही लगी थी ये बात, लेकिन उसे तुम्हारी तारीफों के जो पुल बांधे, मतलब तुम्हारे मजालिम के जो पुल बांधे, तो मैं रुक गई। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे एक दोस्त मिली है जो मेरी हम मिजाज है, इतनी अच्छी है। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे देवर हो या हमारा कोई रिश्ता भी है, मुझसे भी दूर भाग जाएगी वो। गूंगे बन के क्या बैठ गए असफी? अब क्या चाहते हैं कि मैं घर में भी अपने पेशेंट्स और स्टाफ के बारे में बातें करूं? तुम कितने मगरूर और घमंडी हो गए हो। हाँ असफी, तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वहां पे, डॉक्टर शहरोज और डॉक्टर आसफा। वो कितने हम्बल हैं, और तुम्हारी गर्दन में तो कोई सरिया आ गया हो जैसे। बहुत गलत बात है। और ये भी यकीनन डॉक्टर जुबिया ने आपको कहा होगा ना? जी बिल्कुल। ठीक हो जाओ असफी, बहुत बुरी बात है, इतनी प्यारी लड़की है, प्लीज प्यार से रहा करो उसके साथ। साइम, चाचू को बताओ कि लड़कियों के साथ प्यार से रह जाते हैं। लड़कियों के साथ प्यार से रह जाते हैं।
अच्छा अच्छा लड़कियों के साथ क्या प्यार ले रह जाते। चलो बस अब उठो साहिब, अब कल स्कूल है बेटा, आ जाओ बंद करो गेम, कम ऑन। वैसे भी बहुत नॉटी हो गए, चले आ जाए। चाचू को बाय-बाय करते, पापा रे रे गुड नाइट। बाय। के बाद यकीन का सफर।